तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू शॉर्ट ट्रिप। मैं हूँ अविनाश और आज मैं बात करूँगा अपने चोपता ट्रिप के बारे में। मैं बताऊँगा कि इस ट्रिप पे मैंने क्या क्या कवर किया, कितना टाइम लगा हमें और वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोएडा से हम निकले सुबह 5 बजे, मौसम काफ़ी अच्छा था तो हमने सोचा हम धूप और गर्मी से बच जाएंगे। बट जैसे हम सेक्टर 62 से आगे बढ़े, जैसे ही हम टर्न लेके NH पे पहुँचे, बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई और आगे हम ताज हाईवे पे नहीं जा सकते थे क्योंकि बाइक्स वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हमने फिर मोदी नगर वाला रास्ता चुना और फिर हम मोदी नगर वाले रास्ते पे आगे बढ़े। उसमें यह था कि वहाँ पे मेट्रो जो पिलर था वो हमें बचा रहा था बारिश से। थोड़ी रोड खराब थी जो हम मैनेज कर सकते थे, बट ये हमें बारिश से बचा रहा था। बट ये मेट्रो पिलर भी ज़्यादा हमारा साथ दे नहीं पाया और लगभग 20-25 किलोमीटर के बाद मेट्रो पिलर भी खत्म हो गया। फिर बिल्कुल हम आ गए ओपन टू स्काई और बारिश में गीले होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट फिर भी हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। लगभग 100 किलोमीटर जाने के बाद बारिश फिर रुकी, फिर चलते बाइक पे ही हम सूख भी गए। यही खासियत होती है एक बाइक ट्रिप की कि आपको हर तरह के वेदर का सामना करना पड़ता है, आप हर तरह का एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये भी एक एडवेंचर था हमारे लिए, हम बिल्कुल इसे भी एंजॉय कर रहे थे। देन एक जगह रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया और देन हम आगे निकल गए हरिद्वार के लिए। देन हमने हरिद्वार एक्सप्लोर किया, गंगा नदी के किनारे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम वहाँ से निकल गए छिद्दरवाला। वहाँ पे एक फ्रेंड के घर हमने स्टे किया और दोपहर के 2 बजे फिर हम वहाँ से आगे की तरफ बढ़े। आगे रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी का सामना करना पड़ा, बट आफ्टर ऑल 2 घंटे की राइड के बाद लगभग 4 बजे हम पहुँचे देवप्रयाग। देवप्रयाग पंच प्रयाग में सबसे लास्ट है और ये काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन पॉइंट है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है बहुत ही फेमस और बहुत ही पवित्र नदी गंगा की। अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे आके मिलती है और दोनों मिलके बन जाते हैं यहाँ पे गंगा नदी। देन वहाँ से 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचे श्रीनगर। ये श्रीनगर उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, ये जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. श्रीनगर अपने आप में एक काफ़ी सुंदर और शांत जगह है। तो वहाँ पे होटल में चेक इन करने के बाद हमने एक्सप्लोर किया पूरे श्रीनगर को। That I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Don't waste time to my place. I feel my heart erase.
So catch me if I fall. और पूरे दिन की थकान के बाद हमारी अगली सुबह होती है कुछ इस तरह। देन वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए धारी देवी मंदिर के लिए, जो कि श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये कवर करने में हमें लगभग आधे घंटे लगे। धारी देवी को उत्तराखंड का रक्षक कहा जाता है। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत पहले एक मूर्ति आके यहाँ पर फंस गई थी और वहाँ से रोने की आवाज़ें आती थी, तो इस कारण से इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ था। दिन हम आगे निकले वहाँ से चोपता के लिए। हमें 87 किलोमीटर और दूर जाना था, जिसे कवर करने में हमें लगभग 2.5 घंटे तक का समय लगा। रास्ते तो यहाँ के अच्छे हैं, बट चढ़ाई ज़्यादा है और जगह जगह आपको लैंडस्लाइड या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड मिलेंगे। अगर आप कार से जाते हो या फिर कोई भी छोटी गाड़ियों से जाते हो, तो फिर इस केस में आप ये बहुत ज़्यादा चांस हो जाए कि आपकी गाड़ी की अंडर बॉडी स्क्रैच हो सकती है। रुद्रप्रयाग तक आप सेम रास्ते के थ्रू जाएंगे, और उसके बाद फिर दो रास्ते हैं चोपता जाने की। एक ऊखीमठ के थ्रू, जो मैप में शो किया गया है, और दूसरा है मंडल और गोपेश्वर के थ्रू, जो रास्ते मैंने एरो से शो किया है। तो हम गए थे मंडल और गोपेश्वर वाले रोड से। दोनों ही रास्ते सिंगल लेन है और चढ़ाई ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तभी आप इस रास्ते पर जाएँ। और खड़ी चढ़ाई के अलावे बहुत सारे जंगली जानवर इस रोड से पास होते हैं, स्पेशली हिरण, जो कि इस रास्तों को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। बट खतरनाक होने के साथ साथ ये रास्ते खूबसूरत भी बहुत है। ये बर्फ़ से लदे पहाड़, झरने और उनकी आवाज़ें, आसपास के पेड़ों की खुशबू आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। आपको ऐसा फील होगा जैसे ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो और आप इस पे बस चलते जाएं, चलते जाएं।
चलो देख के आता हूँ। तेंदुआ चीते तो नहीं आते ना, तो सबने भी दिक्कत हो रही है। और यहाँ से हमें हिरणों का एक झुंड गुजरता हुआ दिखा, जिस कारण से हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। तीन चार पहले गुजर चुकी थी और हमें देख के यहाँ से भाग गई थी। मैंने थोड़ा वेट किया और फिर मैंने आगे जाकर ढूंढने की कोशिश की, बट आगे मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि सारे वहां से भाग चुके थे। नहीं है, चल आ जा। और यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे चोपता मार्केट है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। वहाँ पे खाने की भी सर्विस अवेलेबल है। आप वहाँ पे चाहे तो अपना लगेज रख भी सकते हैं। वहाँ के शॉपकीपर कुछ नॉमिनल से चार्जेस लेंगे और आपकी हेल्प करेंगे आपकी लगेज को वहाँ पे सेफ रखने में। और वहीं से फिर आप ट्रैकिंग शुरू करेंगे। वहाँ पे फिर आपको एंट्री गेट मिल जाएगा, आप वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको घोड़ा चाहिए तो थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे घोड़े की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आप वहाँ से चाहे तो घोड़ा हायर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स लेते हुए दिख जाएंगे। शॉर्टकट से आप जल्दी पहुंच जाएंगे और साथ में आप यहाँ पे आने वाले घोड़ों से बच जाएंगे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। टोटल 5 किलोमीटर की चढ़ाई है ये, जिसमें आप एग्जॉस्टेड हो सकते हैं और ऊपर खाने के ऑप्शंस कम है, तो बेटर है कि अपने लिए आप कुछ खाने के लिए साथ में रख लें, जिससे जब भी आपको जरूरत हो आप उसे खा सके। फिर आप पहुंचेंगे तुंगनाथ मंदिर। ये भगवान शंकर का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3,500 पर है। और यहाँ पे भगवान शंकर के हाथों की पूजा की जाती है। फिर थोड़ा रेस्ट करके हम निकले चंद्रशिला के लिए। चंद्रशिला वहां से लगभग 2 किलोमीटर और ऊपर है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,700 मीटर है। बताया जाता है कि यहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी अपने वनवास के समय। यहाँ से बर्फ से लदे हुए हिमालय क्लियरली विजिबल होगी, तो आप यहाँ से हिमालय भी देख सकते हैं। हरे हरे शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव हमारे महादेव। पहुंचने के थोड़े देर बाद ही वहां आंधी शुरू हो गई और फिर बर्फ गिरने लगे और फिर बारिश शुरू हो गई। स्नोफॉल हमने एंजॉय तो किया, बट हम गीले हो चुके थे और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो और रुकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। सो हमें ना चाहते हुए भी वहां से निकलना पड़ा। सुबह 9 बजे हम निकले थे और शाम के 4 बजे हम फिर रिटर्न हुए। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.